एवरीवन, आप लोग के नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हम कुछ बात करने वाले हैं राशन कार्ड ई केवाईसी के बारे में। जान सकते हैं कि आप लोग को भी पता होगा कि राशन कार्ड जो जो लोग को राशन मिलता है, सभी राशन कार्ड धारकों का ई केवाईसी करना अनिवार्य है। ई केवाईसी करने की प्रक्रिया का लास्ट डेट 15 तक रखा गया है और जो जो लोग ई केवाईसी नहीं करा पाएंगे उन सभी लोगों को राशन कार्ड काट दिया जाएगा। उस कंडीशन में जान जाए जो जो लोग को राशन कार्ड को आप लोग को ई केवाईसी कैसे करना है, इसका आप लोग को प्रोसेस आप लोग को इस बताएंगे। या जो जो लोग बाहर रह रहेंगे वो अगर घर पर नहीं आ पा रहे होंगे, उनका राशन कार्ड का ई केवाईसी कैसे होगा। या जो जो लोग को 5 साल से नीचे का बच्चा होगा, उनका फिंगर नहीं ले पाएगा, उनका राशन कार्ड बचेगा या उनका भी राशन कार्ड कटेगा। काफी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस देने वाले हैं। लेकिन आप लोग को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि कुछ डेटा वीडियो बनाकर आप लोग को हम बता सके। सबसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राशन कार्ड धारकों को ई केवाईसी कराना अनिवार्य है। जानिए, ई केवाईसी कराना अनिवार्य है। जो जो लोग को ई केवाईसी का सबसे पहले आप लोग को प्रोसेस बताते हैं कि अगर आप लोग घर पर रहते होंगे तो ई केवाईसी का प्रोसेस क्या है, राशन कार्ड ई केवाईसी का प्रोसेस क्या है। तो ई केवाईसी का प्रोसेस कुछ नहीं है, आप लोग डीलर के यहाँ जाकर आप लोग को कुछ नहीं करना पड़ेगा। डीलर के यहाँ आप लोग जाइएगा, आधार कार्ड आप लोग को देना पड़ेगा, राशन कार्ड का नंबर देना पड़ेगा, बस आप लोग को फिंगरप्रिंट में आप लोग को फिंगर आप लोग को सटाना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यही मशीन एक होता है, इसी पर आप लोग को फिंगर लगाना पड़ेगा और आप लोग को वेरीफाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आप लोग को हम बात करते हैं कि जो जो लोग बाहर रह रहे हैं, काफ़ी हम देखें कि सबसे ज़्यादा बाहर मुसलमान सब रहते हैं। तो मुसलमान कास्ट के सभी लोगों को क्या प्रोसेस है, मुसलमान कास्ट का सभी लोगों को प्रोसेस है, इसका आप लोग को OTP का फंक्शन नहीं दिया गया है। जानिए, इसका OTP का फंक्शन नहीं है कि आप लोग OTP बताइएगा। जैसे बहुत काम होता है कि OTP से हो जाता है, से OTP देते हैं तो उनका वेरीफाई हो जाता है, तो उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप जितना भी फैमिली यहाँ पर होंगे, वो सभी फैमिली यहाँ पर आप लोग राशन कार्ड का जो आप लोग डीलर होंगे वहाँ पर जाकर फिंगर सटा लीजिए। और जो भी आप लोग को हस्बैंड होंगे या कुछ भी आप लोगों को भाई होंगे, कोई भी अगर आप लोग बाहर रह रहे होंगे तो वहीं पे जान जाइए। सो पूरा भारत में आप लोग को राशन कार्ड चलता है, वहीं पर आप लोग को जाना पड़ेगा, बोलेगा कि हमको ई केवाईसी कराना पड़ेगा। ये नहीं जान जाइए, काफी सारे लोग गाँव में बोलते हैं कि नहीं, जहाँ से राशन मिलता है वहीं से आप लोग को ई केवाईसी करना पड़ेगा। ये प्रोसेस नहीं है, सोचिए ये आप लोग को ये प्रोसेस नहीं है। आप लोग को कहीं पर भी रहिए, डीलर के यहाँ सब जान जाइए, सब जगह आप लोग को राशन मिलता है, पूरे भारत में आप लोग को राशन मिलता है। कहीं पर जाकर आप लोग को आधार नंबर देना पड़ेगा, वहां पर आप लोग जाइएगा, अंगूठा सटा दिया जाएगा, आप लोग को यहाँ वेरीफाई हो जाएगा। ये नहीं कि आप लोग को वहां से आप लोग को आना है। जानिए, आप लोग जाकर कहीं पर भी ई केवाईसी करवा सकते हैं और कोई भी डीलर से आप लोग ई केवाईसी करवा सकते हैं। खाली वहां पर आप लोग अपना नाम बताइएगा कि हमको इस व्यक्ति का हमको ई केवाईसी करवाना है, उसके बाद आप लोग को ई केवाईसी आप लोग को हो जाएगा, इसमें आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, ये भी आप लोग को प्रोसेस बताएंगे। तीसरा पॉइंट हम आप लोग को बताने वाले हैं कि काफी सारे लोग को, जो जो लोग को 5 साल से नीचे का बच्चा होंगे, उन सभी लोगों को भी राशन मिल रहा होगा। जान सकते हैं उस कंडीशन में, जान जैसे आप लोग को तो जान सकते हैं कि आप लोग को फिंगर माता के या पप्पा के, आप लोग को मामी या पप्पा के आप लोग फिंगर से आप लोग को बच्चा का आधार कार्ड बनता है, उनका तो फिंगर काम नहीं करेगा। जान जैसे उस कंडीशन में उनका राशन कटेगा। क्यों कटेगा कि जान सकते हैं कि उनका आप लोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आप लोग को नियम लगाया गया है। जान जी, आप लोग को नियम लगाया गया है कि जो जो लोग 5 साल से कम के बच्चा होंगे वो सभी लोगों को आंगनबाड़ी केंद्र राशन देगा। सब समझिए, आप लोग को आधार आप लोग को बनेगा, ये नहीं करेगी आधार नहीं बनेगा, आधार आप लोग को बनेगा और आंगनबाड़ी केंद्र आप लोग को राशन कार्ड मिलेगा। समझिए, आप लोग को आंगनबाड़ी केंद्र आप लोग को बच्चा का वो अलग से आप लोग को राशन मिलेगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी सारे लोग तो अपने पला में जुड़वा लेते हैं, उस कंडीशन में जैसे ही आप लोग को ई केवाईसी लगाया गया है, जो जो लोग को ई केवाईसी नहीं होगा उन सभी लोगों को राशन कार्ड कटेगा। तो आप लोग को बच्चा का नहीं होगा, आप लोग को बच्चा का नाम कटेगा कटेगा और उनका जानिए से उनका राशन आप लोग नहीं उठा पाएगा। तो आप काफी सारे लोग वीडियो पर कमेंट करेंगे कि सर हमको आंगनबाड़ी में नाम नहीं, तो आप लोग जाइए आंगनबाड़ी केंद्र पर जाइए, वो आंगनबाड़ी का प्रॉब्लम है, ये नहीं कि आप लोग डीलर का प्रॉब्लम है। आप लोग जाइए आंगनबाड़ी केंद्र पर जाइए, वहां पर जाकर अपना बच्चा को नाम दर्ज कराइए, वहां पर आप लोग पढ़ाई कराइए, उसके बाद आप लोग को वहां से आप लोग को राशन मिलेगा, इसमें आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं है। तो समझिए, जो जो लोग बच्चा को 5 साल से नीचे होगा उन सभी लोगों को नाम कटेगा, तो कटेगा। क्योंकि जान सकते हैं प्रधानमंत्री तो एक ही है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री तो एक ही है, राशन भी आप लोग को जो आप लोग को राशन होता है वो भी देंगे और जो आप लोग आंगनबाड़ी से आएगा वो भी देंगे। तो जिससे एक बच्चा को 2-2 बार राशन मिलेगा, इसीलिए आप लोग को नियम लगाया गया है कि आप लोग को सभी लोगों को ई केवाईसी कराना अनिवार्य है। जानिए, ई केवाईसी कराना सभी लोगों को अनिवार्य है।
जो जो लोग को ई केवाईसी नहीं होगा उन सभी लोगों को राशन कार्ड कटेगा, ये भी कन्फर्म है। और इसका आप लोग को ई केवाईसी करने का लास्ट डेट आप लोग को जान सकते हैं कि 15 तक रखा गया है, 15/6/2024 तक इसका लास्ट डेट है। इसका आप लोग लास्ट डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इसका भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, सोचाएं इसका भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, इसका मान कर चलिए तो लास्ट डेट 15 तक ही रखा गया है। अगर आप लोग को अच्छा आप लोग को इन्फॉर्मेशन लगी होगी तो इस वीडियो को जो है सो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को जो है सो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आप लोग को क्या राय है राशन कार्ड के लेकर वो सब आप सभी लोग वीडियो के जो है सो कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम के साथ, तभी चेंज।